हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आगे भाई मैच कवर करने जो कि हर जगह चैंपियंस लीग फुटबॉल का लिवरपूल वर्सेस अजैक्स के बीच इस टीम का मैच पहले भी हो चुका है। आपको बता दूं, अजैक्स का जो प्रीवियस मैच हुआ था वो भी लिवरपूल के साथ था और आज दोबारा से लिवरपूल इसके साथ भिड़ने वाली है। 4 घंटे 47 मिनट बाद मतलब रात के 1 से 1.5 बजे के बीच में मैच होगा। तो 1.5 बजे का मैच मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको ओपन दूंगा। काफ़ी लोग आप लोगों की डिमांड थी कि भाई नाइट मैच कवर करना, जो 1:30-2 बजे होते हैं पक्का कवर होंगे। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल लिटिल बिट भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको कोई टीम मिले या ना मिले, आप खुद नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको दूंगा। अगर लिटिल बिट कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आपकी मर्जी है, कोई ऐसा बात नहीं है कि। तो चलते हैं आगे। तो बात करूँ मैं इस मैच की, तो पिछले मैच में अजैक्स ने भी इनको गोल किए थे। अगर भाइयों सीधी सी बात है, अगर लिवरपूल स्ट्रॉन्ग है तो अजैक्स भी एक अच्छी टीम है, लेकिन पिछला मैच लिवरपूल अटलांटा से जीत के फर्स्ट नंबर पे चल रही है। पूरी इसकी पोजीशन अटलांटा से जीत के, पिछली बार तो फर्स्ट थी, आई थिंक अब आ सकती है डाउन, क्योंकि अगर अजैक्स जीतती है तो आई थिंक ये थोड़ी ऊपर जाएगी, लेकिन ये फर्स्ट पे लेगी। लेकिन अगर कोई और बड़ी टीम जीत जाती है, कोई भी बड़ी टीम जैसे कि साउथहैम्पटन हो गई, कभी भी मैच होगा अगर, या मतलब कोई भी जितनी बिग टीम्स है, मान लो TOT हो गई, तो सीधा लिवरपूल ने नीचे आना है। तो मैं यही बोलूँगा, मेरा दिल चाहता है कि लिवरपूल जीते। लिवरपूल अगर अजैक्स से जीतती है तो 1 पॉइंट और आगे चली जाएगी एंड लिवरपूल की विनिंग स्ट्रिक बनी रहेगी। तो देखते क्या होता है भाइयों। तो बात करूँ गोलकीपर की, तो ओआना को लेने वाला हूँ मैं। ओआना जो कि भाइयों काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है, ऐसे आपको पिक मिलता है, जो कि भाइयों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर है। पिछले मैच में इस बंदे ने एक गोल सिर्फ करवाया था लिवरपूल का, क्योंकि अजैक्स बहुत ज़बरदस्त खेली थी और उसी के साथ इसने भाइयों 6 गोल सेव किए थे। मतलब पूरा इनका गोलकीपर बहुत शाना है, मतलब बहुत तेज़ है इनका गोलकीपर। ओआना ने लिवरपूल के, मतलब एक तो मुझे ऐसा लगा था गोल हो ही गया, तो ये अगर रिंग है ना, तो अगर गोल यहाँ पे, तो गोलकीपर ने एक हैंड मार के रोक दिया था। मतलब हैरान रह गई थी पूरी जनता की हुआ क्या, क्योंकि अगर लिवरपूल का एक दूसरा गोल हो जाता ना तो लिवरपूल हारती नहीं, क्योंकि लिवरपूल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी इनके गोल्स देख देख के। तो लिवरपूल ने मेरे को तो बहुत ढीलों की तरह खेला था लास्ट में, पर मुझे लग गया था कि अब लिवरपूल गई, तो सच्ची में हार गई थी। तो बात करूँ डिफेंडर की, टी अलेक्जेंडर एर्नोल्ड, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती क्या की थी, ये आप देख सकते हो। ये लिवरपूल का जो मैच हुआ था पिछला, इस बंदे का ग्रैंड लीग में मेन रोल था, ये जो प्लेयर है एर्नोल्ड का, इसको क्लीन शीट भी मिली थी। लिवरपूल जीत तो गई थी इनसे, लिवरपूल जीती है ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन अजैक्स ने पंगा तो बहुत डाल दिया था इनके लिए, बहुत प्रॉब्लम कर दी थी अजैक्स ने भी। तो उस कारण मैंने देख रहा था कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन टीम बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को लिवरपूल का, मेरा मानना है कि लिवरपूल भाइयों मतलब बहुत ज़बरदस्त टीम है। और आगे से बात करूँ, आगे से एक और प्लेयर इसका नाम है ए रॉबर्टसन, इस बंदे ने अजैक्स की टीम जैसी के आगे, मतलब इस बंदे ने एक क्लीन शीट और भाइयों बहुत ज़बरदस्त खेला था, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैं बता भी नहीं सकता। एंड वहीं से मैं बात करूँ एक नॉर्मल प्लेयर की, जिसका नाम है पी एस कर्ज, जो कि प्रीवियस मैच में इस प्लेयर ने एक गोल कंसीडेड करा दिया था, जिस कारण मुझे लगा था कि ये प्लेयर थोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन 31 पॉइंट करता करता दे गया। तो मेरे पास थोड़ा क्रेडिट इशू है, मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, लेना चाहता था मैं मैटिप को अगर खेला, बट कोई बात नहीं, अगर मेंटेन होते हैं पॉइंट्स तो कर लेंगे। एन विलियम्स की बात करूँ तो एन विलियम्स ने अजैक्स के सामने अभी तक नहीं खेला, पिछला मैच अटलांटा के आगे ठीक ठीक खेल के गया प्लेयर और अटलांटा ने इनको हरा दिया। तो आगे से बात करूँ भाइयों मिडफील्डर की, तो यहाँ से लूँगा डी जोटा को। तो डी जोटा प्रीवियस मैच में अटलांटा जैसी टीम के आगे, जो 4 नवंबर को मैच था, इस बंदे ने 3 गोल कर दिए, 3 गोल और 4 शॉट ऑन टारगेट। खुद लगा लो कि डी जोटा पहले इसके जो क्रेडिट थे वो होते थे 9 या फिर 8.5, लेकिन आज इसके क्रेडिट हैं 10। तो क्रेडिट भी इसलिए बढ़ते हैं जब प्लेयर फॉर्म में हो। और एस मेन की बात करूं, एस मेन का तो भाई अपनी टीम में मेन रोल है, क्योंकि अगर एस मेन जब नहीं खेलेगा तो इनको सबसे ज़्यादा मुश्किल बहुत आएगी, क्योंकि वरना तो मैं तो चाहता हूं आज ये, अगर इनको ड्रॉप करना है किसी को तो ये डी जोटा को ड्रॉप करके इसको खिलवाएं, मिलनर को। जे मिलनर भी फॉर्म पकड़ सकता है, क्योंकि जे मिलनर का अजैक्स के आगे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। तो मेरा मानना यह कि अगर मिलनर खेलता है तो बढ़िया करेगा, इसने प्रीवियस मैच में भी अजैक्स के विदाउट गोल विदाउट असिस्ट के 48 पॉइंट दिए थे, मेरा ऐसा मानना है। तो आगे से बात करूँ एल मार्टिनेज ने भाइयों लिवरपूल जैसी टीम के आगे एक शॉट ऑन टारगेट मारा था और विदाउट गोल एंड विदाउट असिस्ट ये बंदा 67 PTS दे गया, वो हैरानगी की बात थी। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा सी जॉन्स को। सी जॉन्स भी भाइयों एक बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, इस बंदे ने अटलांटा जैसी टीम के आगे एक असिस्ट की थी। असिस्ट भी हो जाएगी ना तो आपके प्लेयर के कम से कम समझो कि लास्ट जब तक मैच खत्म नहीं होगा तब तक बंदा 90 मिनट में आपको 40 पॉइंट तो दे ही देगा। बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो एम सला ने फर्स्ट मैच में अजैक्स के आगे कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं कई बार नहीं चलता, लेकिन आज उतना ही अच्छा करेगा मेरा ऐसा मानना है। दोनों प्रीवियस मैचेस में इसने 3 मैचेस में सिर्फ एक बार चला, लेकिन टॉप 5 में इस प्लेयर का नाम आता है, जैसे कि रोनाल्डो हो गया, एल मेसी हो गया, एक
ग्रिज़मैन हो गया, तो उसी की तरह ये भी मेरा फेवरेट प्लेयर है एम सलाह। और आगे से बात करूँ एक और प्लेयर्स का नाम है डी टैडिक, इसने भी ये प्लेयर्स नहीं चले थे, मतलब मैं बता दूँ ये वाला जो कॉम्बिनेशन था ना स्टेट फॉरवर्ड का, स्टेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन बिल्कुल डाउन था, जो चले थे वो थे डिफेंडर एंड मिडफील्डर, बहुत टॉप पे थे। आज इनका चलना ज़रूरी है, मेरा मानना ऐसा है। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा एम सलाह एंड वाइस कैप्टन एस मेन। तो ये कुछ टीम है भाइयों, तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई प्लेयर नहीं खेला तो मैं आपको बाद में दिखा, आपको ग्रुप में चेंज करा दूंगा टीम, फाइनल टीम मैं आपको 8 मिनट पहले पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों एक क्लियर बात सुन लो, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और अगर आपको कल के मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई की वीडियो चाहिए, आपको मैं प्लेयर्स बैटल जैसे प्लेयर्स का आपस में क्या है तो आपको वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसकी जगह आपको 3 ऐसे कॉम्बिनेशन दूंगा कि जो रॉक करेंगे, आपको पक्का बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना वीडियो, अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियो उसी की आएगी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, तो प्लीज़ बने रहिए। तो मिलते हैं आगे।